यहाँ पे आगे जाते हुए भी डर लग रहा है कितनी खाली। अच्छा तो जा खाली बोलते ना बॉर्डर जी मिल के नमते क्यों मेरी रोड उधर मेरे को जाना पड़ेगा और फिर जाके नीचे मेन रोड आए। तो ये अपनी कढ़ाई चढ़ चुकी है, उजाला नहीं है यहाँ पे, लाइट इधर से ना। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बारी फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। और अभी 3:30 बज गए हैं शाम के और आज मैं आया हूँ एक नई जगह अपने पहाड़ में, आया हूँ पट्टी कपोल सिंह में। और यहाँ पे नीचे किवर्स गांव है और ये आसपास बहुत सारे गांव हैं इधर। तो एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पहाड़ में किस तरह से कैसे किसी जगह पे गांव बने हुए हैं। यहाँ पे इतने अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से बिल्कुल। और बिल्कुल नीचे की तरफ भी गाँव है और ऊपर पहाड़ी की तरफ भी गाँव है और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ से। उसी में किवर्स गाँव गया था यहाँ पर और ये है गांव, ऊपर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए। और आगे भी बहुत गांव हैं इस तरफ को, कई गांव हैं आगे की तरफ को, ये देखिए। उधर से सूरज की रोशनी पड़ रही ना तो शायद इतना क्लियरिटी नहीं आ रही, उधर धुंध भी इस टाइप की भी लगी हुई है। धुंध मीन्स की कुछ धुआं धुआं सा उठ रहा है, वहाँ पे आग वाग सी लग रखी है कहीं पर, तो धुआं सा लग रखा है उधर। पिजोरे मेरे पहाड़ को, हर पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी मस्त। और इधर की तरफ भी गांव है सामने, ये देखिए सामने भी गांव है, नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन बहुत अच्छे खूबसूरत गांव है। ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं गांव, ये देखिए। तो ऐसे ऐसे दुर्गम जगह पे पहाड़ों पे गांव बसे हुए हैं और अब रोड की कनेक्टिविटी भी हर गांव में हो रखी है तो आना जाना काफ़ी आसान हो रखा है और एक्सप्लोर करना भी काफ़ी आसान हो रखा है गाँवों को अब जाके, क्योंकि गाड़ियां चली जाती है तो इजीली वहां तक पहुंचा जा सकता है ना। तो अभी चलता हूँ फिर मैं आगे वापस, मेरे को जाना है अपने गाँव और मेरे को अभी मेरे ख्याल से डेढ़ घंटा तो लग ही जाएगा यहाँ से गाँव जाने में। तो और सामने मंदिर भी बने हुए हैं लोगों के, देखो देवभूमि है तो मंदिर तो हर जगह पे मंदिर ही मंदिर हैं। ये देखिए मतलब कच्ची पक्की सी रोड है, टूट गई, मतलब बनी हुई रही होगी तो टूट गई रोड, अभी छोटी रोड है, काफी संगड़ी रोड है। माता का मंदिर है ऊपर, ये गेट है यहाँ पे देखो, माता के मंदिर का गेट बना है और ये है माता ज्वालपा देवी का मंदिर। वहाँ पे ये बस स्टैंड है और ये बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह बना रखी है यहाँ पे। आवाज़ चल रही थी, कोई पेड़ कैसे आवाज़ कर रहा है यहाँ पे, शायद आपको सुनाई दे रहा होगा, पेड़ों की आवाज़ है। और यहाँ से नीचे बहुत खतरनाक खाई है, नीचे की तरफ बहुत गहरी खाई है यहाँ पे। और ये ऊपर मंदिर जाने का रास्ता है यहाँ पे, इधर की तरफ रेलिंग लगी हुई है और यहाँ पे ये बस स्टैंड और बैठने के लिए व्यू के लिए यहाँ पे जगह बनाई है, बहुत बढ़िया व्यू है। और मेरे ठीक नीचे ये किवर्स गांव जहाँ मैं गया हुआ था, यहाँ नीचे यहाँ पे आगे जाते हुए भी डर लग रहा है, कितनी खतरनाक घाटी है देखो नीचे, अगर यहाँ से कोई गिर गया ना तो सीधा नीचे ही जाएगा। तो ये देखिए और आज धुआं धुआं है और ये है नीचे किवर्स गांव, यहाँ से शॉर्टकट रास्ता ये गाँव का, मेरे ख्याल से यहाँ से जाने का रास्ता ये सीधा गाँव में पहुँचा शॉर्टकट रास्ता। आगे से मैं आ गया हूँ, अब मेरे को इधर की तरफ को जाना है, ये आगे चलते हैं अभी आगे, आगे कोई अच्छी जगह होगी तो वहाँ से कुछ दिखाएंगे आपको। तो अभी ना कहने को तो मैं बोल सकता हूँ कि दिन का टाइम है, उजाला हो रखा है, धूप लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है ना इस टाइम मैं अकेला हूँ और ये बिल्कुल मतलब झाड़ झंकाड़ वाला एरिया, जंगल का एरिया है पूरा का पूरा, इधर देखो सुनसान एरिया, मतलब इधर दूर दूर तक गाँव भी नहीं है, ना कोई लोग दिखाई दे रहे हैं ना कोई गाड़ी दिखाई दे रही मेरे को। और डर तो पहाड़ में से ही लगता है कि बाघ वाघ इन झाड़ियों में कहीं बैठा ना हो और मार दे झपट्टा अकेला देख के, है ना, तो डर भी लग रहा है। देखिए यहाँ नीचे भी एक गांव है यहाँ पे, ये रहा, और इधर की तरफ भी गांव है। अब मुझे इन गांव के नाम नहीं पता एक्चुअली, मेरे साथ कोई होता तो शायद बताता भी लेकिन मेरे को कुछ नहीं पता। बहुत अच्छे लग रहे थे मेरे को गाँव यार, ये व्यू यहाँ पे ये देखिए। और इधर भी एक बस स्टैंड बना है, कुछ कुछ दूरी पर यहाँ बस स्टैंड बने हुए हैं यहाँ पे। और ये माता का मंदिर इधर से दिखाई दे रहा है, जहाँ मैंने आगे बताया था यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है टॉप पे जाके, तो पल्ली तरफ से पैदल रास्ता था यहाँ पे और इस तरफ से यहाँ से दिखाई दे रहा मंदिर।
नज़ारा खूबसूरत लेकिन रोड उतना ही ख़राब। ये देखिए अभी मैं आ गया हूँ जाखाल, जाखाल एक जगह है यहाँ पे, तो वहाँ पे आ गया हूँ मैं। और यहाँ से मेरे को नीचे की तरफ जाना और एक रास्ता इधर की तरफ जाता है। और इस टाइम ना हो ये रहा कि कोई भी लोग नज़र नहीं आ रहा कि किसी से पूछ सकूँ मैं यहाँ पे ये कौन सा गाँव है, ये क्या है। या तो लोग सो रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी धूप लगी हुई है तो सो रहे हैं, या फिर कोई नज़र ही नहीं आ रहा यहाँ पे। कि दुके से मकान दिख रहे हैं, थोड़ी मार्केट के दो चार दुकानें, लेकिन सब बंद पड़ा हुआ है। और ये यहाँ पे स्कूल है ये, और ये बहुत सुंदर नज़ारा है इधर से देखो। और यहाँ पे ऊपर एक घर बने हैं, वहाँ पे घर में कोई है लेडी ऊपर, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इस डॉगी के सिवाय। और इससे तो कुछ पूछ नहीं सकते। और यहाँ पे कुछ बन रहा है बैठने के लिए, व्यू देखने के लिए बन रहा है यहाँ पे। अच्छा लगेगा यहाँ से व्यू, क्योंकि इधर का भी दिखाई देगा और इधर की तरफ का भी दिखाई देगा। ये रहा जा खा, बोल दो ना एक बोलो जा खाली। अच्छा तो जा खाली बोल दो ना बड़ा जी मिल के नमते बड़ा जी। आपको किशोर प्रसाद यार का गाँव से आप नोडल गाँव से हैं आप? अच्छा मैं हूँ दरखिलो छोमी। अच्छा पैडू से हूँ दरखिल। तो कपोल सिंह की जो ना सर ये रही हूँ ये कपोल अरे गाँव गाँव से हैं ये हमारे गाँव का। अच्छा ये आप ही गाँव जी ना सब? अच्छा इज्जा खाली है स्कूल से? इज्जा खाली की एकदम ना कुछ गाँव से नहीं ना दरकोटा। हाँ अच्छा ताव जमखंडा। अच्छा ऊना चल गया सिलेत। सिलेत अच्छा अच्छा सीधी रोड गई है कक तक गई है रोड ये चलिया खड़े खाल। खड़े खाल ये ना बेटे भी खड़े खा गई कल जी खाल तभी जुड़ी नहीं मेरे ख्याल से जुड़ी गई कल जी खाल जुड़ी नहीं ये रोड नाला हुए गई। हाँ वो तो नाला था मैं तो पता च पर ये जो एक बटे गई ये नहीं गई। अच्छा ये नहीं गई ना एक हफ्ते गई है अच्छा सिला गाँव होते हुए सब मथी। अच्छा जरा की बरस गई छो आज ना तो उन्हें हाँ उन्हें बिठाने सोच तो एक मिनट में तो कोई नहीं मिलू सो मिल मिलवा के मिल के पूछो जरा क्या गाँव से उनका ना जिन्हें पहल बताना था तो जानकारी होने। चलो आप मिल गए बहुत बहुत धन्यवाद बाड़ा जी को। अच्छा तो ये हमारे ताऊ जी अभी एक मिल गए गांव के, हम बाड़ा जी बोलते हैं जो हमारे ताऊ जी होते हैं उम्र के हिसाब से, तो चाचा जी ताऊ जी ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो उन्होंने थोड़ा सा जानकारी मेरे को दी है यहाँ पे इस तरफ कौन कौन से गाँव हैं। जाखाल बोल रहा था, जाखाली जगह का नाम है और यहाँ पे स्कूल भी आ गया वो मैंने आपको दिखाया है। तो अभी आगे चलते हैं, भूखा ली है और पानी की बोतल ली है, यहाँ पे प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ से भी देखिए शानदार नज़ारा, मैं इधर पीछे से अभी मैंने उस जगह से नज़ारा दिखाया था इधर का, और उधर का देखिए आप इस तरह से ये यहाँ पे ये देखिए। और इसी रोड पर अभी मैंने जाना, नीचे गाड़ी जा रही है, इस रोड से घूम के जाना पड़ेगा बहुत दूर दूर तक, वो सामने दिखाई दे रही रोड उधर मेरे को जाना पड़ेगा, और फिर जाके नीचे मेन रोड आएगा उसमें जाना पड़ेगा। ये देखिए गांव देखिए कितना खूबसूरत है, पक्के मकान बने हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए और यहाँ पे ये देखिए पर जंगल ही है, हर गाँव के ऊपर जंगल जंगल सा है। इधर की तरफ से आ रहा था मैं और उस तरफ का तो दिखा नहीं, यहाँ से दिखेगा उस तरफ का व्यू जिधर से मैं आ रहा था। देखो गांव, देखो बूंग गांव है और नौली गांव है यहाँ पे, इधर उस सामने की तरफ अगरोड़ा डांग अगरोड़ा, ये हमारे पैडू सिंह पट्टी के गांव है इधर की तरफ। ये देखो इतने सारे गांव हैं, देखिए यहाँ धुआं उठ रहा, आग लगी हुई है, ये देखिए काला काला दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अभी गर्मियों में यहाँ पे जंगलों में ये झाड़ियाँ जो है ना इन पर आग लग जाएगी अभी सारी। और एक पॉली हाउस भी बना हुआ है आजकल पहाड़ों में, जगह जगह पॉली हाउस सब्जी उगा रहे हैं लोग। और उधर की तरफ तो बहुत गांव है, ये देखो तो दोस्तों आप सीधा ही आपको घर पे मिलेंगे यार, घर पे मिलूंगा या फिर अपनी मार्केट में मिलूंगा, पसंडा खाल की मार्केट में मिलूंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है मेरे को वीडियो बनाने में, काफी टाइम लग जा रहा। तो मैंने कच्ची रोड पे गया था ना तो गाड़ी पूरी गंदी हो गई है, यहाँ पे देखो मिट्टी मिट्टी हो रखी है गाड़ी पे ये सारी, तो थोड़ा धो देता है इसको। पहाड़ों में कभी कभी ये भी मिल जाते हैं रोड के किनारे पे, तो इससे पानी निकाल के धो देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं अपने गांव पहुँचने वाला हूँ, मतलब गांव के ऊपर आ गया हूँ, गाड़ी खड़ी कर दी है और नीचे की ओर जा रहा हूँ अभी गांव के लिए। अभी 5:30 का वक्त हो गया है
और मैं थोड़ी देर पसुंडा खाल मार्केट में बैठा था, वहाँ पे चाय वाय पी थी मैंने। ये देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है, अभी धूप जा चुकी है। अब यहाँ से मेरा गांव दिखने लग गया, नीचे देखो ये है अपना मंदिर नीचे, और यहाँ गांव नीचे, और इधर अपना घर ये आ गया। तो अभी मैं घर पे पहुँच चुका हूँ, और थोड़ा इसके बाद फ्रेश व्रेश होते हैं पहले, है ना, और उसके बाद फिर खाना वाना भी बनाना मेरे को। तो आग जल चुकी है अपनी, और बनाते भी खाना सब्जी। तो ये अपनी कढ़ाई चढ़ चुकी है, उजाला नहीं है यहाँ पे, लाइट इधर से ना पड़ती नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा उजाला नहीं है। तो 7:30 का वक्त हो गया है, और अपना खाना भी हो चुका है। बस इसके साथ ही वीडियो का भी एंड करते हैं, और अगले ब्लॉग में मिलते हैं जल्दी ही। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों।